सब बड़े बहुत रियलिस्टिक हमारे गांव के ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बाकायदा इसी तरह के लोग होते हैं। इस तरह की फिल्में लगता है बननी बंद हो गई आज की डेट में? नहीं नहीं, बल्कि अभी तो दौर शुरू हुआ है ऐसी फिल्मों का, OTT वगैरह पे जो भी काम हो रहा है वो इसी तरह के सिनेमा का हो रहा है अभी, और लोग इसके दर्शक जुट रहे हैं धीरे धीरे। एक टाइम था जब इसको पैरेलल सिनेमा का नाम दिया जाता था, आर्ट सिनेमा का, अब सब मिक्स हो गया है, जो कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। डायरेक्टर की अगर बात करें तो किस तरह? बहुत ब्रिलियंट डायरेक्शन है, जो बहुत अच्छा काम लगा डायरेक्टर ने बहुत अच्छा, खासकर वो जो जब उसकी शादी होती है और वो नाव में जो सीन है वो बहुत ही ब्रिलियंटली कंसीव्ड किया है। लास्टली प्यारी ने कैसा काम किया? बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम किया प्यारी ने, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं डॉली से बहुत मिलती रही हूँ, और लेकिन मुझे फिल्म के बारे में पता था कि अच्छी फिल्म बनी है, ट्रू स्टोरी है, तो मैंने फिल्म के ट्रेलर देखे थे, सॉन्ग देखे थे। मैं कहता सॉन्ग्स और ट्रेलर देख के, सॉन्ग्स तो हिट है बेसिकली, बिलीव मी, जो भी गाना सुनेगा वो तो हिट होने वाला ही है, लेकिन एक्चुअल में कैसे बनी वो देखा था मुझे। और जो उतना आत्मा को छूने वाली फिल्म है ये, बिलीव मी, अगर ये सही में हुआ है तो एक औरत के, मतलब एक क्या होता है औरत को, मतलब ना वो आई कैन फील इट एज अ वुमन, एंड इट्स सो ब्यूटिफुली मेड, कोई हंगामा नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, इट इज़, आपको लगता है कि आप उस गांव में मौजूद हो और आपके सामने ये हो रहा है। इट्स ब्यूटिफुली मेड कंटेंट, इसका जो कुछ भी कहें, DOP ने अच्छा किया, डायरेक्टर अच्छा किया है, बच्चों ने अच्छा किया, एक्टर ने, बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और ये फिल्म में आत्मा है। आई एम श्योर दिस फिल्म इज गोइंग टू रॉक, इट हैज़ टू रॉक। मैम समाज में काला धाग ताना देना एक कितना, मतलब कैसा फील होता है बंद होना चाहिए इसके लिए, मतलब कुछ बोलना चाहिए? ये तो हमेशा होता है, आप अच्छा कर रहे हो तो होता ही है, बुरा करो तो भी होता है, और स्पेशली लेकिन अगर कुछ औरत करती है ना तो ये बढ़ जाता है, इट एक्चुअली यू नो इट, मतलब मल्टीप्लाई होता है ये, थोड़ा भी कुछ कर दो, और हर एक में अंदर होता है औरतों में कि हाँ ठीक है, मतलब मुझे फील होता है कि पहले कैसे अभी कैसे, बस यही चाहिए, और को प्यार चाहिए, वक्त चाहिए बस। लोकेशन कैसा लगा डायरेक्टर? बहुत खूबसूरत, मैंने कहा ना हमें लगा कि अगर एक व्यूअर को लगता है कि वो वहाँ मौजूद था ये होते हुए, इसका मतलब सोचिए इतने खूबसूरती से बनाया गया है ये, ब्यूटीफुल डायरेक्शन। कितने स्टार देने, मैक्सिमम क्या स्टार है? 5++ है तो भी, बिकॉज इसमें ऐसा कुछ भी और नहीं है जो है ना आज की फिल्मों में, एक एक मसाले वाला गाना चाहिए भी डाला हुआ है, और हर गाना की कुछ होता है। मेरे तो वो फेवरेट सॉन्ग्स हैं, ठगी रे ठगी, आते सिनेमा दिखाऊँ वगैरह, एंड वो नाव चली रहे, आई लव ऑल द सॉन्ग्स, ऑल द सॉन्ग्स, एंड या सैया टिप टॉप। हमारा देश एक्चुअली पुरुष प्रधान देश है, तो वो जो कॉन्सेप्ट थी एक लेडी की कहानी बताई, रियल स्टोरी, तो बहुत अच्छा लगा। और प्यारी का जो किरदार किया है हमारी डॉली ने, बहुत बढ़िया किया, सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम, स्पेशली मैं म्यूज़िक से रिलेटेड हूँ, सिंगर हूँ, तो मुझे गाने बहुत अच्छे लगे, सारे गाने बहुत अच्छे बने, बहुत अच्छा। सबसे पहले सभी लोगों को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सेकेंडली, एक कलाकार के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है जब ऐसी कहानी मिले जो कहानी खुद चल के आए, मेरे किरदार के पास कहानी चल के आई, किरदार से मिली, और एक बिगनिंग, मिडल और एंड उस कैरेक्टर को मिला। इट्स अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर, आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। और इसके लिए राइटर और निर्देशक और एक बहुत ही अच्छे एक्टर रजनीश, जिनके साथ मेरी ये दूसरी फिल्म है, दूसरी फिल्म है, और ऊपर वाले ने चाहा तो हमारी बहुत सारी फिल्में करेंगे, बिकॉज एक जोड़ी बन गई है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, सब लोग सुन लीजिए प्लीज़, सर के लिए वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर इन इंडिया, और इनको टाइम बहुत कम दिया गया, उस टाइम में आप देखेंगे जब ये आएंगे स्क्रीन पर तो फिर वो अपना जो समा बांधेंगे वो मेस्मराइज कर देगा आपको, आपको लगेगा कि वाह क्या एक जॉनर क्रिएट किया है, ग्रे शेड का जॉनर जो क्रिएट किया है, और फिल्म में एक नया ही कलर लेके आएगा, इनके बाद से वो फिल्म दूसरे लीग में चली जाती है, आपको लगेगा कि हम कुछ अलग सिनेमा देख रहे हैं। और थैंक्स टू बॉबी भाई जो मुझ पर ट्रस्ट किया, और आप सब लोगों का साथ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, आई होप के हमको आपका पूरा सपोर्ट मिलेगा, हम कलाकारों का एक ही जरिया है, वो है आप लोग। और हमारी फिल्म फेस्टिवल्स में भी जलवा बिखेर चुकी है, तो एक देखने लायक फिल्म है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। बहुत अच्छी लगी, बहुत ही अच्छी लगी, और गाने कैसे लगे? गाने भी बहुत अच्छे थे, हर एक ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा।
और तो देंगे ही देंगे। रिजल्ट आने वाला है तो अच्छा लग रहा है। गुदगुदी तो अभी नहीं हो रही है, कॉन्फिडेंट है, बट रिजल्ट का फिर भी इंतज़ार है। हाँ, मैं नर्वस हूँ क्योंकि है ना, अभी जो फर्स्ट ऑडियंस है वो देखने वाली है, वो क्या रिएक्ट करेगी। थोड़ा सा तो नर्वस हूँ, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि नर्वस नहीं हूँ, मैं हूँ नर्वस। और जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं ना डायरेक्टर का, अभी मैं राइटर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ और एक्टर भी हूँ उसमें ना, तो मैं मेरे ज़्यादा बड़े एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो अब देख, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। क्या होता है जब किसी आप रियल स्टोरी को उठाते हैं तो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होती है। कैरेक्टर्स रियल हैं, उनको पोर्ट्रे करना, कुछ गलत ना दिखा दे, तो अब कुछ लोगों को डर भी होता है। जब सच्चाई बाहर लाते हैं हम लोग तो डर तो आएगा ही, तो पर चैलेंज होता है, पर मज़ा भी उसी में आता है। जब कुछ चैलेंजिंग करने का ना हो तो मज़ा किस बात का। तो हाँ, थोड़ा रिस्की रहता था, कुछ लोगों को इश्यूज रहते थे, क्या होता गाँव में थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि इसका बैकड्रॉप जो है स्टोरी का वो गाँव का है, और कुछ थोड़ी सी कंट्रोवर्सी वाला, जब आप लोग तो आज फिल्म देखने वाले तो आपको मालूम चल ही जाएगा, तो थोड़ा इशू था। और मुझे लगता है कि सभी फिल्मों में थोड़े बहुत इश्यूज तो आते ही हैं, तो वो पार्ट ऑफ जर्नी है, इंजॉय करें। एक्चुअली मैं यूँ कहूँ कि प्यारी किसी एक औरत की कहानी नहीं है। मेरा अपनी माँ से जुड़ाव है, सभी का अपनी माँ से जुड़ाव है। जब मैंने अपनी माँ की लाइफ देखी, बड़ी लाइफ मोनोटोनस होती है एक औरत की, वही रूटीन हाउस वाइफ का, तो वो जो अंतर्द्वंद मेरे चल रहा था तब मुझे ये कहानी अक्रॉस आई। फिर मैंने इसके बारे में जाना तो मुझे लगा कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड की कहानी है, ये हर एक वूमेन की कहानी है और ये लोगों तक पहुँचनी चाहिए। तो वो थॉट जन्म लिया, फिर डॉली जी को सुनाया मैंने तो उनको यूनिकनेस लगी। एक कमाल की बात यह है कि ये मैसेज ज़रूर दे रही है मगर आउट एंड आउट कमर्शियल वे में दे रही है। कहीं भी मूवी आपको सीरियस नहीं करेगी, वो लाइट कॉमेडी उसकी चलती रहेगी। कुछ मुद्दे हैं जो लास्ट में आपको हिला के जाएंगे, मगर इन अ वे हमने कॉमेडी को कहीं छोड़ा नहीं ताकि लोग इंटरटेन हो सकें, क्योंकि इतना बर्डन लेके लोग फिल्म देखने आएंगे अपने लाइफ से ब्रेक लेके, तो उनको कॉमेडी मिलना चाहिए, उनको नए कैरेक्टर मिलना चाहिए। यहाँ आपको गांव मिलेगा, गन्ने के खेत मिलेंगे, तो रोमांस मिलेगा, वो म्यूज़िक मिलेगा जो हमने बहुत मेहनत से म्यूज़िक बनाया है। और आप, आई होप, मैं कह ये दावे के साथ कह सकता हूँ आपको ये म्यूज़िक बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि थिएटर में बैठने का अपना आनंद आ जाएगा आपको कि यार क्या म्यूज़िक है, एकदम रिलैक्स हो जाओगे आप और फिल्म एक अलग दुनिया में आपको ले जाएगी, जो जो हम बहुत दिनों से छोड़ते हुए आ रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो एक लड़की का जो कैरेक्टर है वो बहुत डिफरेंट है, और कहीं ना कहीं हर लड़की का कैरेक्टर ऐसा ही होता है, कुछ छुपा के रखती है और कुछ बोल्ड होती हैं तो स्टेप ले लेती है या बता देती है कि नहीं मुझे ये पसंद है ये नहीं है, खुलकर जवाब दे देना, मुंह पे बात बोल देना, इसके लिए करेज चाहिए। तो ये जो प्यारी है ये कुछ ऐसी ही है, उसको जो अच्छा लगता है वो वही करती है, जो पसंद नहीं आता चाहे सोसाइटी का कितना भी प्रेशर वो नहीं करती। तो मुझे ये कैरेक्टर बहुत पसंद आया, और अक्सर क्या होता है ऐसी लड़कियाँ और ऐसे कैरेक्टर स्क्रीन पर देखना हमको बहुत पसंद है। रियल लाइफ में लोगों को पसंद नहीं होते ऐसे कैरेक्टर्स, बस स्क्रीन पर अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ वाली ये प्यारी वैसी है वैसी है। जी 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 जी, जैसे आपको पता है PVR आइनॉक्स इसको रिलीज़ कर रहा है और ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है, चेन्नई में कहीं ऐसी ऐसी जगह रिलीज़ हो रही है, तो उसका नर्वसनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ऑडियंस कैसे कन्वर्ट होगी। और इसके बाद हम लोग है ना अभी दो तीन गाने रह गए हैं तो वो प्रमोट करने वाले हैं। दूसरा, फिल्म का बस क्रिएट होगा, सब अच्छा होगा, तो फिर हम ऑल ओवर इंडिया भ्रमण करेंगे पूरा टीम के साथ, हीरोइन को लेके जगह जगह हम उन लोगों से ऑडियंस से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैं इसमें फ़न एलिमेंट जोड़ना चाहता हूँ।
कि एक चाय वाले की कहानी है भाई, है कि चाय वाला 40 साल का है जिसकी शादी नहीं हो रही है और गांव वाले सारे मजाक उड़ा रहे हैं, सब चाय बिस्किट फ्री में खा के जा रहे हैं, हर आदमी ये कहता है हम तेरी शादी करा देंगे और वो उधार उसका काफ़ी हो गया है तो बेचारा परेशान है। तो आप समझ रहे हैं, तो प्रमाइसिस इतना कॉमेडी वाला है कि आपको फिल्म बोझिल नहीं करेगी, आपको फुल टू मज़ा आएगा और लगेगा यार आफ्टर लॉन्ग टाइम ऐसा कॉमेडी हमने देखी। जी जी, थोड़ा सा मोदी जी की लिबर्टी लेके हमने किया है ताकि वो चाय, मैंने चुना इसलिए चाय वाला क्योंकि मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बन गए तो ये चाय वाला अपनी मोहब्बत में क्या क्या करता है और चाय वालों में कुछ तो क्वालिटी होती है तो इसमें कितनी क्वालिटी है वो आप फिल्म देख के जानेंगे। नहीं नहीं सर, ये चाय वाला अपने गांव में दुकान होती है उसकी और गांव की सुबह उसकी चाय से ही होती है, चाय बहुत अच्छी बनाता है। मगर अच्छा एक सवाल आप सब लोगों से, आप सब लोग फिल्म देखने वाले हैं तो अभी आप हमसे सवाल जितने पूछने पूछ लीजिए, उसके बाद हम आपसे सवाल पूछेंगे। कैसी लगी रिव्यू? चाय कैसी लगी? चाय हाँ, तो गांव वालों को तो अच्छी लगती थी, प्यारी को पता नहीं अच्छी लगी कि नहीं लगी, वो तो आप बताइए। हाँ अच्छी लगी, ये रियल लाइफ में भी हमारे डायरेक्टर है राइटर चाय अच्छी बनाते हैं। मैं सर चाय बना के पिलाता हूँ पूरी टीम को और जब काम करते रहते हैं सब लोग, मार्केटिंग टीम है तो मैं ही चाय बना के पिलाता हूँ, वो चाय की कंटिन्यूटी अभी भी चल रही है। बहुत अच्छी लगी मूवी। इस मूवी में ऐसा दिखाया कि वुमेन्स कहीं ना कहीं मेंस के बनाए हुए रूल के अंदर ही अंदर दब जाती है एंड दे कांट स्पीक अप फॉर देम सेल्फ्स, मीन्स अगर वो स्पीक अप करेगी तो वो बुरी दिख जाएगी। तो मतलब ये मूवी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि दे हैव द राइट टू स्पीक अप फॉर देम सेल्फ्स एंड ऑफकोर्स दे आर दे विल एंड दे विल ऑलवेज। जो ये कंसेप्ट निकाला है कि हमें ट्रू स्टोरी को जो डिपिक किया है यहाँ पर और ये स्टोरी बाहर लाई है सबके सामने और जो एंडिंग हुई है बहुत फ्रीक्वेंट बहुत प्यारी तरह से की है ये मूवी। आई थिंक मस्ट वॉच फिल्म है, हमने तो देख लिया है, बहुत अच्छी है। हम ये भी चाहेंगे आप सब जाए और ये मूवी देखिए। बहुत डिफरेंट, हाँ एक्चुअली बहुत डिफरेंट क्योंकि हम लोग हमेशा से सिटी रात में जैसे इधर क्लबिंग्स होती है यहाँ पे पार्टी होती है लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं है। वहाँ पे यू सी द रियल स्ट्रगल, यू हैव टू गो टू द वेल टू टेक वाटर, मतलब ये बहुत बहुत अलग। एंड यस, जो कल्चर को फॉलो किया है एंड जो मूवी में दिखाया है सब एकदम नेचुरल, बहुत सब एकदम प्रॉपरली दिखाया है एंड द कल्चर को जो बाहर निकाला है गाँव की साइड को बहुत न्यू है और ये जनरेशन को ज़रूर देखना चाहिए। मैं तो मूवी से बहुत रिलेट किया क्योंकि मैं MP से ही हूँ, मेरा जन्म वहाँ हुआ है और इन्होंने जो भी चीज़ें मूवी में दिखाई है हर एक चीज़ एकदम रियलिस्टिक था, उसमें कुछ भी बनावटी नहीं था, कुछ भी उन्होंने नयापन ऐड नहीं किया था। जैसा है MP में उस जगह पे उस समय में वो सेम टू सेम रखा है इन्होंने, मतलब एक एक डब्बा कटा हुआ और वो नाव पानी में बहा के जो लेके जा रहे हैं उसमें जो लाइटिंग की है वो सस्ती से झिलक में लगाई हुई है, वो डेकोरेशन वगैरह जैसा होता है एक गांव में MP के गांव में वैसा ही लुक रखा हुआ है इन्होंने, कुछ मिलावट नहीं। मुझे तो बिल्कुल आर्ट फिल्म की तरह लगा जैसे नशरुद्दीन शाह और शबाना आजमी स्मिता पाटिल की आर्ट फिल्म होती थी, वो मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिला। ये काफ़ी टाइम के बाद देखने को मिला है और इसको अप्रिशिएट करना ही चाहिए। इतनी अच्छी फिल्म इतनी प्योरिटी के साथ बनाया है ना, कोई मिलावट नहीं है उसमें, इतना प्योर काम, मतलब इतना सभी मुझे कहीं नहीं लगा कि एक्स्ट्रा डाला गया है या कम है, बेस्ट। नहीं, बहुत बेहतरीन स्टोरी है, बहुत अच्छी डायरेक्शन है, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत नेचुरल एम्बियंस है, पूरा जो लोकेशन है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है और स्टोरी टेलिंग बहुत ही ब्रिलियंट है और एक्टिंग वाइज इट्स वेरी रियलिस्टिक जो कि आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। नहीं, बहुत बेहतरीन लगता है और आज का जो मैंने बताया ना, आज का जो ज़माना है जो चल रहा है OTT का, इसमें कंटेंट इम्पॉर्टेंट है, कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा शुरू हो गया अभी जो कि बहुत ही अच्छा है एक्टर्स के लिए भी और ऑडियंस भी बड़ी बदल रही है। अब नेचुरली वो स्टार ओरिएंटेड सिनेमाज नहीं है, अब कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा है, वो पसंद है तो सब सब अच्छा है।
मुझे तो 4 स्टार्स देना चाहूँगा सर। फिल्म को देख के जैसे कास्टिंग इसमें बिल्कुल रियल है और लोकेशंस रियल है, जो रिचुअल्स हैं, जो रिचुअल ठेठ गांव के होते हैं बहुत ही रियल है, और ह्यूमर भी बड़ा बड़ा अच्छा है। ह्यूमर जो क्रिएट किया है सुहागरात के सीन में, या चाय की दुकान पर ह्यूमर, या वो जो शादी कराने वाले आते हैं, वो वाले जो अंकल हैं मामा जिनको बोलते हैं, वो सब बड़े बहुत रियलिस्टिक हमारे गांव के ऐसे कैरेक्टर होते हैं, बाकायदा इसी तरह के लोग होते हैं। इस तरह की फिल्में लगता है बननी बंद हो गई आज की डेट में? नहीं नहीं, बल्कि अभी तो दौर शुरू हुआ है ऐसी फिल्मों का। OTT वगैरह पे जो भी काम हो रहा है वो इसी तरह के सिनेमा का हो रहा है अभी, और लोग इसके दर्शक जुट रहे हैं धीरे धीरे। एक टाइम था जब इसको पैरेलल सिनेमा का नाम दिया जाता था, आर्ट सिनेमा का, अब सब मिक्स हो गया है, जो कि बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है। डायरेक्टर की अगर बात करें तो बहुत ब्रिलियंट डायरेक्शन है, जो बहुत अच्छा काम लगा डायरेक्टर ने बहुत अच्छा, खासकर वो जो जब उसकी शादी होती है और वो नाव में जो सीन है वो बहुत ही ब्रिलियंटली कंसीव्ड किया है। लास्टली प्यारी ने क्या काम किया? बहुत ब्रिलियंट, बहुत अच्छा काम किया प्यारी ने, बहुत ही रियलिस्टिक, बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं डॉली से बहुत मिलती रही हूँ, और लेकिन मुझे फिल्म के बारे में पता था कि अच्छी फिल्म बनी है, ट्रू स्टोरी है।